इस मिठाई को आप सिर्फ 10 मिनट में बना लेंगे और भी बिना गैस चलाए। ये इतनी ज़्यादा हेल्दी है, साथ में टेस्टी भी है। ये मिठाई सभी को बहुत पसंद आएगी। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। इसके लिए हमने लिया है सॉफ्ट वाला खजूर। तो इस मिठाई के लिए आप कोशिश करके सॉफ्ट वाले खजूर ही लें, जिससे आपकी मिठाई अच्छी भी बनेगी और टेस्टी भी बनेगी। तो यहाँ पर हमने 15 पीस ले लिया है खजूर का। आपको जितना बनाना है उतना खजूर आप ले सकते हैं। खजूर के बीच में कट लगाएंगे और इसके बीज को निकाल देंगे। तो इसी तरीके से सारे खजूर को बीज निकाल कर तैयार कर लेंगे। तो जब आप सॉफ्ट वाला खजूर लेंगे तो बीज बहुत आसानी से निकल जाएंगे और मिठाई बहुत अच्छी बनेगी। अब हमने लिया है एक दूसरा बाउल, इसमें हम डालेंगे 1 कप मावा। तो मावा आप मार्केट का भी ले सकते हैं और मावा आप घर में भी बना सकते हैं। इसमें डालेंगे 2 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ काजू और बादाम, 1 छोटा चम्मच कुटी हुई हरी इलायची। आप अपने पसंद का और भी ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं। इसमें हम चीनी बिल्कुल नहीं डालेंगे, क्योंकि मावा का अपना खुद का मिठास होता है। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो इसमें आप डाल सकते हैं 1 बड़ा चम्मच पिसी हुई चीनी। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। 5 मिनट में आप मावा घर में कैसे बनाएं, इसकी रेसिपी हमने आपके साथ शेयर की है। लिंक हमने नीचे दिया है, वहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। इसी तरीके से हमने बनाया है खजूर ड्राई फ्रूट्स के ये लड्डू, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। इसे भी आप बनाकर 6 महीने तक फ्रिज में रखकर खा सकते हैं और 1 महीने तक रूम टेम्परेचर में। अभी तक आपने इस रेसिपी को नहीं ट्राई किया है तो लिंक हमने नीचे दिया है, वहाँ पर क्लिक करके आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। चलिए अब बनाते हैं अपनी ये मिठाई। तो इसके लिए मावा के थोड़े से मिश्रण को लेंगे और हाथ से इस तरीके से दबा दबा कर रोल कर लेंगे। अब इसे हम खजूर के अंदर डालेंगे। मावा थोड़ा ज़्यादा ही भरे खजूर के अंदर, जिससे ये मिठाई खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। अक्सर हमें खाने के बाद कुछ मीठा खाने का मन होता है, तो इस तरीके से आप हेल्दी मिठाई बनाकर घर में रखें और आप खाने के बाद जब भी मीठा खाने का मन हो तब आप इस मिठाई को खा सकते हैं। और यकीन माने ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। हेल्दी इतना कि इसे आप जितना चाहें उतना खा सकते हैं, क्योंकि इसमें चीनी हमने बिल्कुल नहीं डाला है। मावा का भी मिठास है और खजूर भी मीठा होता है, तो ये मिठाई बिना चीनी के ही बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। सारे खजूर को हमने मावा भर करके तैयार कर लिया है। अब इसके ऊपर हम लगा देंगे थोड़ा सा पिस्ता, जिसे हमने पतले टुकड़ों में काट लिया है। इस मिठाई को आप बनाकर घर में रखें, आपके घर गेस्ट आएँ तो उन्हें भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। इस मिठाई को प्लेट में थोड़ा फैला देंगे और अब हम इसके ऊपर डालेंगे गुलाब की पत्ती। तो सूखी गुलाब की पत्ती को हमने पतले पतले टुकड़ों में काट लिया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो ही डालें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। पर अगर आप डालते हैं तो ये मिठाई देखने में ज़्यादा अच्छी लगेगी। इस मिठाई को गार्निश करने के लिए हमने लिया है 100 ग्राम डार्क चॉकलेट। आप इसकी जगह मिल्क चॉकलेट भी ले सकते हैं। एक भगोने में हमने पानी गर्म कर लिया है, इसके ऊपर रखेंगे एक बाउल और इसमें हम डाल देंगे कटा हुआ डार्क चॉकलेट। अब इसे हम चम्मच से चलाते जाएंगे, ऐसा करने से ये चॉकलेट बड़ी आसानी से मेल्ट हो जाएगा। आप चाहें तो इसे 30 सेकेंड के लिए माइक्रोवेव कर सकते हैं, उसमें भी ये चॉकलेट बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। पर ध्यान रखें, इसे इसी तरीके से चलाते जाएं तो चॉकलेट बहुत अच्छा मेल्ट होगा। चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो गया है, अब इसे हम डालेंगे पाइपिंग बैग में। तो यहाँ पर हमने लिया है पाइपिंग बैग। अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है तब आप कोई प्लास्टिक ले सकते हैं, या जो दूध का पैकेट आता है तो उसे भी आप धो करके अच्छे से किचन टॉवल से सुखा लें, पानी उसमें ना हो बिल्कुल, तो उसमें भी इस चॉकलेट को आप डालकर इस मिठाई को गार्निश कर सकते हैं। इसे हमने नीचे थोड़ा सा काट दिया है, जिससे चॉकलेट आसानी से निकल सके। अब इसे हम गार्निश कर देंगे इस मिठाई को। तो आपने देखा, कुछ ही मिनटों में इतनी टेस्टी और हेल्दी मिठाई घर में बनकर तैयार हो जाती है, फिर बाज़ार से महंगी मिठाई क्यों लाना। सभी मिठाई को हमने चॉकलेट से गार्निश कर दिया है। इसे थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देंगे, जब चॉकलेट ड्राई हो जाएगा तब इसे आप किसी भी डिब्बे में भर कर रखें। 3-4 दिनों तक ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। अगर आप इसे बनाकर फ्रिज में रखते हैं तब आप इसे 10-15 दिनों तक खा सकते हैं।
ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। चॉकलेट ड्राई हो गया है तो अब इसे हम सर्व कर देते हैं। तो आपने देखा, इतने कम समय में इतने कम इंग्रेडिएंट से इतनी हेल्दी और टेस्टी मिठाई घर में बन जाती है। तो इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिए। इसे आप जिसे भी खिलाएंगे सभी को बहुत पसंद आएगी। लीजिए, सर्व करने के लिए तैयार है ये हमारी बहुत ही टेस्टी और हेल्दी मिठाई। आप देखिए ये मिठाई देखने में कितनी अच्छी लग रही है। तो इसे आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। बनाने के बाद रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी तरह एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।